लक्सर से नवनिर्वाचित विधायक बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद का स्वागत किया गया और सिमली मोहल्ले में भारतीय किसान यूनियन अंबावत के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू की अगुवाई में यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायक का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने यह कहा कि 10 साल से चल रही भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और भेदभाव की परंपरा को खत्म कर अमन चैन कायम करना ही उनकी प्राथमिकता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास के काम में किसी से भेदभाव नहीं होगा। एक उस राजनीति का अंत किया जो अब तक यहाँ भ्रष्टाचार के आधार पर चली आ रही थी। रही विकास की बात, सभी को साथ लेकर के किसान यूनियन का नियम तक है 36 बिरादरी एक, 36 बिरादरी को साथ लेकर के सभी का समान तौर पर विकास करने का काम करूँगा और विकास करूँगा। उसमें धर्म जाति बिरादरी का कोई दृष्टिकोण नहीं होगा, जहाँ आवश्यकता होगी उसका काम करूँगा। जिस समय ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमें 10 साल एक निकम में विधायक को देखते देखते हो गए थे और हमारे पास ये आखिरी मौका था कि इस मौके को हम भुनाएं और किसान के हित में काम करने वाले विधायक को सामने लाएं। उसके रूप में हमें मोहम्मद शहजाद जी का बड़ा सहयोग मिला, आंदोलन में भी सहयोग मिला और आगे भी हम इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि किसान यूनियन को सहयोग करने का ये अपना पूरा काम करेंगे, किसान की आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे।